नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। आज है सुपर संडे और आज एक बार फिर डबल हेडर का धमाल देखने को मिलने वाला है। आज पहले मुकाबले में शेख जायद स्टेडियम में अबूधाबी में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स सामने सामने होंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स जो फिलहाल चौथे पायदान पर है 8 मैचों में 4 जीत 4 हार के बाद, वहीं हैदराबाद 5वें पायदान पर है 8 मैचों में 3 जीत और 5 हार के साथ। आज अगर सनराइजर्स हैदराबाद को अंक तालिका में ऊपर जाना है तो उन्हें हर हाल में केकेआर को हराना होगा। वहीं केकेआर के साथ भी दिक्कतें रही हैं क्योंकि ओयन मॉर्गन को कप्तानी मिली, पिछला मैच ये बड़े बुरे तरीके से मुंबई के खिलाफ हारे, तो उस लिहाज से अब यहां पर देखना होगा हैदराबाद की टीम को भी कि किस तरीके से आज का मुकाबला होगा। अबूधाबी के विकेट की बात की जाए तो आज विकेट थोड़ा सा स्लो हो गया क्योंकि सेकेंड फेज ऑफ द टूर्नामेंट आ गया है, तो विकेट थोड़ा स्लो होगा। 170 से 175 रन बताए जा रहे हैं कि ठीक है, डे मैच है तो उसका उतना प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए, तो उस लिहाज से अगर देखें तो बाद में बैटिंग करने वाली टीम के लिए उतना आसान नहीं होगा। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी। प्लेइंग 11 की बात करते हैं, बहरहाल आपको भी क्या लगता है प्लेइंग 11 वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपकी प्लेइंग 11 का पूरा जो ब्यौरा है वो हम आज शाम के प्रोग्राम में रखेंगे। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए तो आज शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी ओपन करेंगे। नंबर 3 नीतीश राणा, ये फ्लॉप चल रहे हैं, इनको चलना होगा। और नंबर 4 ओयन मॉर्गन, नंबर 5 आंद्रे रसेल, नंबर 6 दिनेश कार्तिक, नंबर 7 पैट कमिंस, नंबर 8 लॉकी फर्ग्यूसन, नंबर 9 कुलदीप यादव, नंबर 10 वरुण चक्रवर्ती और नंबर 11 पर शिवम आदि खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की बात की जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से डेविड वार्नर और जॉनी बेस्ट ओपन करते नजर आएंगे। नंबर 3 मनीष पांडे, नंबर 4 केन विलियमसन, नंबर 5 प्रियम गर्ग, नंबर 6 विजय शंकर, नंबर 7 राशिद खान, नंबर 8 शहबाज नदीम, नंबर 9 संदीप शर्मा, नंबर 10 खलील अहमद और नंबर 11 डी नटराजन को यहां पर मौका दिया जा सकता है। तो आज कुल मिलाकर अबूधाबी के मुकाबले में हैदराबाद के लिए तो जीत जरूरी है और केकेआर को लय हासिल करने के लिए हैदराबाद को हराना ही होगा क्योंकि हैदराबाद से अच्छी टीम मिलेगी नहीं क्योंकि इस सीजन में थोड़ा कमजोर नजर आई है, और उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक टक्कर का मुकाबला होने वाला है। आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 में क्या बदलाव हो सकते हैं और कौन सी टीम को आज जीत मिलनी चाहिए, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल एनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।